गुड इवनिंग सभी को। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी वीडियो में ना, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, मार्केट का डेटा, आज का डेटा क्या था, आज मतलब मार्केट का क्या हलचल था, ये नहीं बताएंगे। आज एक खास इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसी वीडियो में बताया था जो एक इंडियन सीमेंट बोल के एक स्टॉक है, जो स्टॉक मैंने होल्ड किया था, वो भी दिखाऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो जब वो स्टॉक को मैंने एवरेज किया, क्या ये एवरेज करने के बाद मेरा टारगेट अचीव कर पाएगा? इससे पहले, एवरेज करने से पहले जब मैंने स्टॉक लिया था प्रेडिक्शन करके, मेरा प्रेडिक्शन पे था, तो वहाँ से जब गिरने लगा, वो स्टॉक काफ़ी गिर चुका था नियर अबाउट। आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैंने एक स्टॉक लिया था, ये जो लिखा है पहले बाद में बताता हूँ, इसी लेवल पर मैंने लिया था, और नियर अबाउट अगर गिर जाता है ना ये रेड कलर तक, 33.45% गिर चुका था एक स्टॉक, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो, आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो अगर आप लोग के पास टाइम है तो ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पूरा पूरी एजुकेशनल रिलेटेड बेस है। इन फ्यूचर में आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन फ्यूचर में कुछ अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, इसका मतलब अगर आप चाह रहे जे आप यू नो दूसरा जगह में जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ से कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा, कैसे एवरेज किया जाता है, कैसे प्रोसेस में टेक्निक के एंट्री हम लोग करते हैं। इसी स्टॉक के अंदर तो मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, इसका पहले मैंने जो कुछ वीडियो बनाया था उसमें बताया था, मेरा टेक्निक भी बताया था, और भी आने वाला वीडियो में बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन स्पेशली ये जो स्टॉक मेरा इतना लॉस हो चुका था, मैंने खुद को कंट्रोल में रखा और उसको एवरेज किया और ज़्यादा बाई किया। कितना पे बाई किया था? जब उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था अगर ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है, ठीक, मैंने उस दिन ही कंटेंट बनाऊंगा और आपके पास पोस्ट करूंगा, और वो आज हो चुका है। मैंने पहले दिखाऊंगा एक पीएनएल जो मैंने पहला लिया था 15/1/2024 क्वांटिटी, प्राइस कितना था 258, लगभग यहाँ पे था 258, इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे कर, देखो 258 यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट एक स्टॉक था, उसके बाद छोड़ दो, दूसरा जो लिया था मैंने एवरेज किया था, इसका प्राइस था 203, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं 203, यहाँ पे देखो नियर अबाउट यहाँ पे मैंने एवरेज किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद ना इलेक्शन के वजह से गिर गया था, इलेक्शन के नेक्स्ट दिन गिर गया था, उसके बाद जल्दी जल्दी रिकवर हुआ। लेकिन रिकवर होने के बाद जब मैंने एवरेज किया, एवरेज करने के बाद इसका प्राइस जो हो गया था, देखो यहाँ पे एवरेज प्राइस हुआ 228, मैंने जब ज़्यादा क्वांटिटी, उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने बाई किया, डबल कर दिया, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, तभी क्या हो गया, प्राइस का जो मेरा जो लॉस था 228.07, और इसका यहाँ पे था बाइंग प्राइस, जब यहाँ पे किया इसका एवरेज हो गया यहाँ पे, तो मेरा जो टारगेट है यहाँ पे, थोड़ा मैंने टारगेट लगाया था, बाद में मैंने सोचा 250 तक टारगेट करते हैं, नियर अबाउट 10% का आसपास, इतना दिन रुका है तो मतलब मैंने 10% का प्रॉफिट लेके जाऊंगा, यहाँ पे 9.0 दिखा रहा है लेकिन लगभग 10 है। ओके, तो वो वीडियो पहले दिखाता हूँ, और उस दिन मैंने बताया था जब मैंने टारगेट अचीव कर लूंगा तभी ये चीज आप लोग के पास शेयर करूंगा। देखो ये वीडियो मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो कोशिश करते हैं उसको ऑन करते हैं। येलो कलर का दाग है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, तो कितना लगभग कितना पॉइंट्स यहाँ पे एक्चुअली जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो लगभग रिकवर करना पड़ेगा, यहाँ से 26 पॉइंट रिकवर किया तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। देखो वीडियो थोड़ा पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 23/5/2024 के जब मैंने एवरेज किया था, ये वीडियो बनाया था, तभी मैंने बताया था ये टारगेट है, ये टारगेट देखो 242 पे मैंने टारगेट लगाया था, उसके बाद टारगेट थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे 250 में रखा था, लेकिन आज वो टारगेट अचीव हो चुका है। मेरा पोजीशन मैंने दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी बेच चुका है, सोल्ट हो चुका है, माइनस कितना क्वांटिटी, -46 क्वांटिटी, 250 एवरेज प्राइस है, और लेकिन उससे भी एक गुना ज़्यादा आज प्राइस गया, लेकिन वो कुछ जरूरी नहीं है। देखो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन उससे बावजूद भी आज कई गुना ज़्यादा, मतलब और भी 10 पॉइंट्स का ज़्यादा यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे लगाया था 269, ओके 269 आज हाई लगाया था, सबसे ज़्यादा हाई लगा दिया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर टारगेट ये इंपॉर्टेंस है। तो और भी बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा स्टॉक नहीं है, कुछ स्टॉक है, मैंने दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, मेरा जो होल्ड करके रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, अगर ये अचीव होता है मेरा टेक्निक से, तो आप लोग के पास ये वीडियो बनाऊंगा, शेयर करूंगा। ये वीडियो बनाने का एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है, आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को शेयर करूं, थोड़ा सा अगर आप लोग को मदद हो जाता है, हेल्प हो जाता है, अच्छी बात है। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग के पास टाइम है तो ऐसे ही वीडियो मैंने इंपॉर्टेंस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँगा, जो भी मेरा पोर्टफोलियो में रहेगा वो तो शेयर करते रहूँगा, उसके साथ साथ जो भी स्विंग ट्रेडिंग मैं ले रहा हूँ
और जो स्विच डेटा टेक्निकल एनालाइज द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी मैंने शेयर करता, मतलब पहले वीडियो में बना रहा हूँ और भी बनाऊंगा आगे जाके बहुत सारा वीडियो, ओके। और आप सिर्फ मेरा चैनल को फॉलोअप करें, सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाया था, लेकिन तभी कॉम्पिटिटिव में था, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर चुका हूँ। मैंने देखा इसके ऊपर मैंने स्टडी कर रहा हूँ और इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को जो जो चीज़ सही लग रहा है और मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ आपके पास शेयर कर रहा हूँ, जबकि थोड़ा सा आप लोग के पास जो भी न्यू ट्रेडर है, जो भी न्यू बिगिनर है, सीखना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप लोग को थोड़ा सा इसी वीडियो से हेल्प मिल सकता है। तो इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।